तो भाऊ इसने मटका गंदा कर दिया है। तो क्या हुआ हिमावत, ये मटका तोड़ दे और नए मटके के पैसे इसका पगार में से काट लेंगे, ठीक है ना? हिंदू हिमावत दोनों माफी मांग लो और ये मटका तोड़ दो, बस हो गया। हम क्यों माफी मांगे? गलती इस सिरक की है और माफी हम मांगे? हिंदू चुप बैठ, कुछ मत बोल, चुप बैठ। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। चुप बैठ। बाबा क्या हुआ? हवा निकल गई। इंसान ने अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो तो उद्धव भाव थे इसलिए सस्ते में नहीं पड़ गया। अगर मैं होता तो क्या करते? हाँ मारते मुझे, गाली देते मुझे, हाथ लगा के दिखाओ फिर बताती हूँ तुझे। अरे पिंटू ये लेडीज लोग का आइटम है, लड़की लोग पे लगा के देखेगा तो ज्यादा मालूम पड़ेगा। रे सही बोला। हटो इसे, निकलो तुम लोग यहाँ से। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना, निकलो यहाँ से, निकलो। ये निकलो यहाँ से, इनको ना बाद में देख लेंगे। चले निकल। ये देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हिम्मत रखना, थोड़ी देर हिम्मत रखना। चला सर, प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से जल चुके हैं। हिम्मत रखना बेटा, हिम्मत रखना, हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ आई कैसे? किसने किया ये? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू, हिम्मत रखना हिंदू, हिम्मत रखना। सूत्र हिंदू, हिंदू वैसे सर एक बात पूछूं, हिंदू ने आपको 17 और 20 नंबर के बारे में कुछ बताया था, उस बात का जिक्र आपने इन दोनों से क्यों नहीं किया? चलिए 17 और 20 हमें पहला क्लू मिला है लेकिन वो भी अधूरा क्लू। 17 और 20 क्या है पता नहीं लेकिन कातिल का इसके साथ और इसका कातिल के साथ कुछ ना कुछ जरूर कनेक्शन है। अच्छा ये बताइए कल वो टाइम से निकली थी? हाँ कल उसके बाबा का फोन आया था मंदिर जाने के लिए लेकिन वो चिढ़ गई थी। हाँ बाबा, पापा मुझे आज नहीं जाना है वहाँ, बल्कि मुझे वहाँ कभी भी नहीं जाना है। नितिन। हाँ वो पूर्णिमा है ना, उसका बॉयफ्रेंड है वो। सर आपके हाथ का काढ़ा पिए थे माँ, ठीक तो होना ही था। अब हम जाएंगे। कोमल चलो गुंजा। पता है कोमल दीदी, गोपाल सर रानी दीदी से कह रहे थे कि अगर मैं इस साल पास हो गई ना तो पूरे गांव में पेड़े बांटेंगे। चुप कर गुंजा, बहुत मारूंगी तुझे। ना ये पास होगी ना गोपाल सर पेड़े बांटेंगे। अरे यहाँ नहीं खाएंगे भैया, वो आगे पांडे चाट करना रहना, वहाँ खाएंगे। चलिए देख के चाची के ले लीजिए। अच्छा हाँ, ब्यूटीफुल साड़ी है, ले जाइए ले जाइए। अरे ऐसा मत करिए भैया, ब्रजेश भैया देखिए हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। क्या भूखे मर जाएंगे जी? अरे कहाँ वो प्रदीप भैया, देखिए ना ब्रजेश भैया तो कन्या हटाने को कह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे आप? अरे फोन की बैटरी को भी अभी खत्म होना था, अब क्या करें? पास में ही है, जल्दी चलते हैं यहाँ से। लेकिन लोटे का पानी तो गिर गया, आगे कहीं से भर लेंगे, अभी चलो।
दीदी कुएं से पानी भर लेते हैं। नहीं नहीं ये बड़े लोग का कुआं है। अरे तो क्या हुआ दीदी, बड़े लोगों का दिल भी बहुत बड़ा होता है और हमें सिर्फ एक ही लोटा पानी तो चाहिए। ले ले जल्दी ले। सुनिए ना, उनका फोन बंद आ रहा है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है, एक घंटा हो गया। अरे कहाँ जाएंगी, आती होंगी, होंगी रास्ते में, आ जाएंगे। जरा देखाइए ना, लाठी ले जाना भी भूल गई है। गुंजा, ए कोमल, ए भैया गुंजा कोमल कहीं देखे हैं क्या? ए प्रदीप, कोमल गुंजा को देखे हो क्या? क्या हुआ कोमल गुंजा को? अरे डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गया, खेत गई, अब तक लौटी नहीं है। लौटी नहीं? मेरा मकान दिया, हमको मालूम है कौन गायब किया होगा कोमल गुंजा को। कौन? पेड़ के पास गुंजार कोमल, चलिए। दस मार्च की रात को 8:15 बजे घर से निकली और अगले दिन तक उनकी कोई खबर नहीं। फिर 12 मार्च की अर्ली मॉर्निंग इन दोनों लड़कियों की लाशें इन्हीं के गांव के एक पेड़ से लटकी हुई मिली। 10 मार्च की रात से लेकर 12 मार्च की सुबह तक ये दोनों लड़कियां कहीं तो थीं, या तो अपनी मर्जी से या फिर फोर्स। लगभग 33 घंटे ये लड़कियां जिस लोकेशन पे थी हमें उस लोकेशन का पता लगाना है। अगर हमने इस लोकेशन का पता लगा लिया तो केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.